मैंने पर्पल कलर का आई मेकअप भी किया हुआ है मैचिंग. सो वी आर इन क्यू ऑफ 100 पीपल राइट. मैं चली मैं तो शॉपिंग करने चली. यू वॉन्ट टू से समथिंग? नो. तो यहाँ पे अभी लाइन लगी हुई है ऑलमोस्ट 30-40 पीपल नेक्स्ट टू अस. I really want to color my hair. When? Maybe Monday, day after tomorrow. Okay, so we are planning to change our hair color. कौन सा मैं करवाऊँ? और अभी हम लाइन में लगे हैं और लाइन में लगे लगे मेरी बहन थक गई है तो शॉपिंग क्या करना शुरू हो गई है. मतलब लोग शॉपिंग में तो ऐसे आ रहे हैं जैसे घर में कुछ खाने को नहीं है और यहाँ से खरीदेंगे तो ही खाएंगे. मैंने मेकअप भी किया हुआ है पर्पल कलर का. फोटो खिंच मेरी. और ये कुछ सूरत हाल है लॉकडाउन से पहले की. ना कोई गाड़ी दिखती थी ना कोई यहाँ पे रश दिखता था और एकदम खालम खाली था. तो यहाँ पे अब आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से लाइंस लग चुकी हैं और लोग अंदर जाने के लिए इतने क्रेज़ी हुए हुए हैं और पार्किंग में आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी. और ये है आज की सिचुएशन के यहाँ पे आपको गाड़ियाँ ही दिख रही हैं और बहुत लंबी लाइन लोगों की दिख रही है. हम लोग खुलते साथ ही आ गए हैं कि रश नहीं होगा. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 100 लोगों का लाइन ऑलमोस्ट लग चुका है और हम अब लाइन में लगेंगे. जब तक हमारी बारी आएगी तो देखो क्या टाइम होता है. ये है बिफ़ोर और आफ्टर के हालात. बिफ़ोर मैंने आपको दिखा दिए एकदम खाली थी पार्किंग और अब एकदम भर चुकी है क्योंकि लोगों को घूमना है निकलना है बाहर. और यहाँ पे मैं लाइन में लगी वेट कर रही हूँ अपनी बहन का और वो गाड़ी में बैठी हुई है क्योंकि उसको धूप में नहीं खड़े होना है पार्किंग में. वो बैठी मज़े कर रही है और जैसे ही मेरी बारी आएगी अंदर जाने की तो वो फिर बाहर आएगी और हमारे आगे सिर्फ दो लोग रह गए हैं तो अब वो निकल के बाहर आ रही है. जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अभी यहाँ पे फुल लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ. काफ़ी जगहें बंद हैं और यहाँ पे कुछ ही एरियाज़ ओपन हुए हैं. सो स्टिल वी हैव फ्यू ऑप्शंस. तो आज भी हम इधर ही एंटर होते और इसी सेक्शन में घुस गए हैं कि हम लोग यहाँ से पहले वाली चीज़ें देख लें बाद में जाएंगे जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं एक्चुअली. तो यहाँ पर मेरी बहन शुरू हो गई है लूट मार करने और इसने काफ़ी कुछ यहाँ पर उठा लिया है. I like this. This? नहीं होगी निकाल. कैसी तो लेनी है? तो बता. वो ले ले टी-शर्ट से काफी है तो ले लेते. और होम सेंस में एंटर होते ही मैंने ये मिरर देख लिया था. मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको मैं आज घर लेके ही जाऊंगी. और मेरी बहन अपने फेवरेट सेक्शन में जा चुकी थी और मैं उसको ढूंढते हुए यहाँ पे आई. हमारा क्या होता है कि जब भी हम किसी जगह पे शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम दोनों अपने अपने फेवरेट सेक्शंस में चले जाते हैं. जो उसको परचेज़ करनी है चीज़ें वो वहाँ पे आपको दिखेगी और जो मुझे करनी है मैं वहाँ पर आपको दिखूँगी. सो इसको यहाँ पर कुछ कंटेनर्स चाहिए थे तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए. बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ था तो इतनी जो लाइंस लगी हुई हैं डेली बेसिस पे तो वो लोग अंदर जाके शॉपिंग भी कर रहे हैं तो इसलिए सब रैक्स खाली हो चुके हैं. इवन दीज आर वेरी गुड. हाँ दिखता रहे. तो ये क्या है इनका क्या मसला है? एक ही है ये. हाँ दो हैं. हाँ कुछ ऐसे पतले ही चाहिए ना. हाँ ये भी सही है मगर ये छोटे हैं कम स्टोरेज है. आज नहीं इतने ज़्यादा चीज़ें हैं. आई थिंक हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए हमें. आइकिया से ले लें. और हमें कुछ किचन ऑर्गेनाइजर्स लेने थे कंटेनर्स लेने थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमें एक दो नहीं चाहिए थे काफ़ी सारे चाहिए थे. तो यहाँ पे सिर्फ एक दो पीस ही पड़े थे जिसकी वजह से हमें ये नहीं लेने थे. उस साइड पे आई रियली वांट टू बाय दिस मिरर. दिस ओके सो फाइनली शी इज़ गेटिंग अ मिरर.
होमसेन से फ्री होने के बाद हम लोग डॉलरामा गए, क्योंकि वो पीछे ही हमें दिख रहा था, तो हमने कहा कि यहाँ से भी कुछ सामान ले लेंगे। हमारी नाइफ्स थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो हमने लास्ट टाइम यहाँ से ली थी और बहुत ही अच्छी चली थी, एक्चुअली ख़राब नहीं हुई थी, टूट गई थी। तो हम लोग यहाँ पर लाइन में लगे और फिर हमने जब पलट के देखा तो विनर्स और होमसेंस की लाइन अगेन इतनी लंबी लग गई थी जितनी लंबी से हम लोग अंदर गए थे। सो फाइनली हम लोग अंदर आए डॉलरामा में और काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छा दिख रहा था, बट हमारा जो मेन पॉइंट था, मकसद था यहाँ पे आने का, वो था सिर्फ नाइफ लेना। बट स्टिल काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। अगर आप लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो सो यू कैन बाय फ्रॉम हेयर। क्वालिटी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, बट चीज़ें सब कुछ यहाँ से मिल जाती हैं। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से भी नॉर्मल मिलती हैं लाइक सेम प्राइस में। ये नेल पॉलिश भी मैंने कनेडियन सुपर स्टोर से ली थी और यहाँ पे भी सेम प्राइस में ही पड़ी थी। और बाकी भी काफ़ी चीज़ें थी मेकअप से रिलेटेड, किचन और फूड, काफ़ी कुछ था यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने न्यूट्रीजेना का मास्क देखा, बट आई वाज कंफ्यूज कि ये ओरिजिनल ही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस पे लगा हुआ था, तो बट मैंने लिया नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आई नीड टू चेक कि ये चीज़ें यहाँ पे जो मिलती हैं वो वाकई में ही सही होती हैं या कुछ मसला होता है, क्योंकि इतनी रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर लगी हुई थी। और यहाँ पर काफ़ी कुछ था, हैंड वॉश, शैम्पूज़, और यहाँ पे काफ़ी किस्म के स्लीपर्स थे और हम लोगों को रूम में पहनने के लिए चाहिए थे, तो हमने यहाँ से ये पिंक और ब्लू कलर के स्लीपर्स ले लिए और बहुत ही कंफर्टेबल थे, क्योंकि सिर्फ हमें रूम में पहनने के लिए ही चाहिए थे, तो दीज आर बेस्ट। और प्राइस भी बहुत ही अच्छी थी। कुछ अम्ब्रेलास थे, मेरी बहन को अम्ब्रेलास भी लेने थे, क्योंकि यहाँ पर अनप्रडिक्टेबल बारिश हो जाती है कभी भी, तो इसलिए हमने नहीं लिया कि पता नहीं ये कैसा होगा, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो रिटर्न नहीं आप कर सकते हो यहाँ पे कुछ भी चीज़ परचेस करके। और यहाँ पे हमें कंटेनर्स भी बहुत सारे दिखे, बट अभी हमने होल्ड पे रखा, क्योंकि हमें आइकिया जाना है और आइकिया में अगर हमें पसंद आ जाएंगे तो हम वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से लेंगे तो ये रिटर्न नहीं करते हैं, एक्सचेंज नहीं करते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में। यहाँ पे भी बहुत ही क्यूट सी चीज़ें पड़ी थीं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थीं, और मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी ये ट्रे दिखी जो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ, फिर ऊपर प्लेट्स दिखी और यहाँ से मुझे ये पूरा ही सेट दिखने लग गया, तो मैंने सोचा कि चलो, और ये प्लास्टिक में था मार्बल प्रिंटिंग का, तो मैंने सोचा कि चलो ये पूरा ही सेट ले लेते हैं और आप इसको डिनर सेट बना लोगे। तो मैंने सब कुछ उठाया और अपनी कार्ट में रख लिया, बट थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये ना हो कि वन वॉश में ही इसका सब कुछ उतर जाए, तो मैंने सब कुछ वापस रखा और सिर्फ ट्रे ले लिया। और इनका सबसे बेस्ट सेक्शन जो मुझे लगा वो था डिकोर का। मैं जल्दी इधर से कुछ परचेस करूँगी डिकोर के लिए जब भी कोई इवेंट आने वाला हो, और बहुत मज़ा आया। सो अगर आपने ये वीडियो को एंजॉय किया है, गिव अ बिग थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।